विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। मूल अधिकार कर रहे थे हम, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या कर रहे थे, मूल अधिकार कर रहे थे। कल थोड़ा बहुत पढ़ा हमने, कैसे आए, कहां से आए, है ना, मूल अधिकारों का पूरा इतिहास पढ़ा हमने कि कैसे कैसे करके हमारे संविधान तक पहुंचे हैं। आज हमने करना है आर्टिकल 12 से लेके स्टार्ट करेंगे, हम मूल अधिकार को स्टार्ट कर रहे हैं, आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल 12 है उसमें डेफिनेशन दी गई है स्टेट की, क्योंकि बार बार बोलेगा कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य वैसा नहीं करेगा, तो राज्य का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, यहाँ पर राज्य का मतलब ये नहीं होता है। अब राज्य का मतलब क्या होता है, तो उसको डिफाइन किया उसने किसमें, आर्टिकल 12 में। ठीक है, तो भाग तीन के प्रयोजनों के लिए मतलब भाग तीन में जब जब वो राज्य बोलेगा तो उसका क्या मतलब निकालेंगे हम। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में भाग तीन के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, और इस परिभाषा को भाग चार के लिए भी लागू किया गया है। किसके लिए, भाग चार के लिए, यानी जब हम डीपीएसपी पढ़ रहे होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे होंगे, या राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ रहे होंगे, तो वहां वहां पर भी जहां जहां पर राज्य शब्द लिखा होगा वहां वहां पर क्या करना है, हमने इसी डेफिनेशन को क्या करना है, मतलब ये मान के चलना है कि जो यहाँ पे राज्य बताया जा रहा है वही राज्य का मतलब है। जैसे ही हम भाग किसमें जाएंगे, 6 में जाएंगे, आर्टिकल 152 में जाएंगे, वहां पर फिर राज्य की डेफिनेशन दी गई है, तो वहां पर अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो भाग 6 के प्रयोजनों के लिए आर्टिकल 152 राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये वाला राज्य पढ़ लेते हैं कि भाग 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य का क्या मतलब है। कल भी बताया था मैंने, राज्य का मतलब होता है भारत सरकार और संसद। नंबर 1 पे क्या पढ़ेंगे आप, भारत सरकार और संसद। नंबर 2 पढ़ेंगे आप राज्य सरकार और विधानमंडल, राज्य सरकार और विधानमंडल। नंबर 3 पे पढ़ेंगे स्थानीय प्राधिकारी, और नंबर 4 पे पढ़ेंगे आप अन्य प्राधिकारी। यूपीएससी बहुत पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, दोबारा हो सकता है कभी पलट के पूछ ले, वैसे इतना आसान प्रश्न नहीं पूछता है, पर ऐसा हो सकता है कि लोक सेवा आयोग यहां से प्रश्न पूछ ले कि आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को जो परिभाषित किया गया उसमें से कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है। तो बहुत आसान है याद करना, भारत सरकार और संसद, मतलब केंद्र में अगर हम जा रहे हैं तो भारत सरकार और संसद। नंबर 2 पर राज्य सरकार, अगर इन राज्यों में हम आ रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर राज्य में, 28 राज्यों में, तो वहां पर राज्य सरकार और विधानमंडल, लेजिस्लेचर बोलते हैं विधानमंडल को, क्या बोलते हैं। तीसरे नंबर पर स्थानीय प्राधिकारी, और चौथे नंबर पर अन्य प्राधिकारी। इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है कि यहीं पर कुछ बच्चे रोक देते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है, यूपीएससी इससे आगे बढ़कर, लोक सेवा आयोग इससे आगे बढ़कर भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 12 के संदर्भ में प्राधिकारी, अब प्राधिकारी जो शब्द प्रयोग किया गया उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्राधिकारी मतलब क्या। तो प्राधिकारी से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय से है जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना, अधिसूचना समझते हैं, अधिसूचना समझते हैं, है ना, विधि, विधि लॉ को बोलते हैं, उपविधि, आदेश और अधिसूचना आदि बनाने या जारी करने और प्रवर्तित करने की शक्ति होती है। क्या होती है, नहीं बोलते हम, नोटिफिकेशन जारी हो गई, अधिसूचना जारी हो गई, नोटिफिकेशन, अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन। ठीक है, तो विधि, उपविधि, आदेश या अधिसूचना, ये 4 शब्द याद करने हैं आपने। जिन किसी भी व्यक्ति या किसी भी निकाय को अगर विधि, उपविधि, आदेश या अधिसूचना जारी करने का अगर अधिकार है, जारी करने, प्रवर्तित करने की अगर शक्ति है, अधिकार है, तो वो माना जाएगा प्राधिकारी। क्या माना जाएगा, प्राधिकारी माना जाएगा। ठीक है, अब स्थानीय प्राधिकारी, फिर अगला पॉइंट बनेगा कि स्थानीय प्राधिकारी से क्या मतलब हुआ। पहले हमने प्राधिकारी को एक्सप्लेन कर दिया, अब स्थानीय प्राधिकारी क्या होता है, तो स्थानीय प्राधिकारी में 1, 2, 3, 4 करके याद करना। नंबर 1 नगर पालिका है, नंबर 1 नगर पालिका है, नंबर 2 पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नंबर 3 ग्राम पंचायत, नंबर 4 माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड। अब ये 4 चीजें याद कर लो, क्वेश्चन पूछेगा कि स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी में शामिल होते हैं कौन कौन, तो नंबर 1 नगर पालिका है, नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नंबर 3 ग्राम पंचायत, नंबर 4 माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड। गुड, याद हो गया। ठीक है,
अभी हो गया, लेकिन सबसे धोखेबाज जो ऑर्गन हमारे शरीर में वो मस्तिष्क है ना। तो याद करने का तरीका क्या होता है, अभी याद कर लिया, एक घंटे बाद फिर उसको रिवाइज करना है, दिन में फिर रिवाइज करना है, शाम को सोने से पहले रिवाइज करना है, कल फिर उठने के बाद रिवाइज करना है, 7 दिन बाद फिर रिवाइज करना है, 15वें दिन फिर रिवाइज करना है, 30वें दिन फिर रिवाइज करना है। तो समझ लीजिए वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ये वैज्ञानिक विधि होती है याद करने की। लेकिन मैंने कहा इसको क्या नहीं किया जा सकता, फॉलो नहीं कर सकता हर व्यक्ति। तो अगर आप इतनी बार रिवाइज करते हो तो वो परमानेंट क्या बनती है, आपकी मेमोरी बनती है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब भाई अन्य प्राधिकारी कौन है, क्योंकि चौथे नंबर पे क्या लिखा होता हमने, अन्य प्राधिकारी। तो अन्य प्राधिकारी का मतलब होता है, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी और निकाय आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा सृजित किए जाते हैं। संविधान या किसी परिनियम के द्वारा क्या किए जाते हैं, सृजित किए जाते हैं। ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको मैं बाद में इंग्लिश में भी कराऊंगा, पूरा यूपीएससी वालों के लिए पूरा इंग्लिश में कराऊंगा। पहले हिंदी भाषी राज्य पहले हिंदी में समझ लीजिए, फिर बाद में इंग्लिश की क्लासेस भी क्या करूंगा, दूंगा मैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इंग्लिश में भी आनी है। फिलहाल आप जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो याद करें, क्या क्या, संविधान या किसी परिनियम द्वारा सृजित किए जाते हैं, संविधान या किसी परिनियम द्वारा सृजित किए जाते हैं, और जिन्हें विधि उपविधि आदि बनाने की शक्ति प्राप्त है। यहां पर हम सिर्फ दो ही चीजें पढ़ रहे हैं, विधि और उपविधि। वहां पर हमने पढ़ा था विधि उपविधि आदेश अधिसूचना, यहां पे हम पढ़ रहे हैं अन्य प्राधिकारी में सिर्फ विधि और उपविधि। वहां पे हमने पढ़ा था क्या, नहीं हमने वहां पे पढ़ा था कि प्राधिकारी से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति या निकाय जो विधि उपविधि आदेश या अधिसूचना बनाने जारी करने और प्रवर्तित कराने की शक्ति रखता है। यहां पे हमने पढ़ा संविधान या किसी परिनियम, क्या पढ़ा हमने, यानी अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसे ऐसे प्राधिकारी या निकाय आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा सृजित किए जाते हैं और जिन्हें विधि उपविधि आदि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। इतना समझ में आ गया। किंतु उनके द्वारा सॉवरेन पावर का प्रयोग आवश्यक नहीं है, संप्रभु शक्ति का प्रयोग आवश्यक नहीं है। इतना समझ में आ गया। तो जब कभी आपसे अन्य प्राधिकारी की डेफिनेशन माना कभी लिखने के लिए बोल दे, तो आपने इस तरह से डिफाइन करना है 50 शब्दों में। कितने में, 50 शब्दों में। अब क्या होता है कि अन्य प्राधिकारी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या हुआ कि विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार स्थानीय और अन्य प्राधिकारियों के अंतर्गत निम्नलिखित को राज्य माना गया है। क्या हुआ कि बार बार पूछा गया, किससे, कोर्ट से पूछा जाता है। संविधान का अंतिम निर्वचन करता कौन है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे माना मुझे लगा कि क्या जीवन बीमा निगम राज्य है, राज्य के अंतर्गत, या क्या जीवन बीमा निगम अन्य प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आता है, तो कोर्ट ने कहा कि भाई जीवन बीमा निगम जो है वो क्या आता है, किसके अंतर्गत, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आता है। तो लिस्ट में जुड़ गया कौन, जीवन बीमा निगम LIC, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, है ना। दूसरे नंबर पे हमने फिर पूछा, मैंने नहीं पूछा, किसी ने पूछा कोर्ट से, न्याय निर्णय बोलने का मतलब ये है कि केस गए होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, उसने कहा, पूछा गया होगा कि भाई ONGC को स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी में रखा जाएगा या नहीं। तो उन्होंने कहा कि ONGC भी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आता है। क्या आता है, फिर पूछा गया कारखाना वित्त निगम या औद्योगिक वित्त निगम क्या आता है, हाँ जी ये भी आता है। किसने कहा, विभिन्न न्यायिक निर्णय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसने कहा, उसने सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कारखाना वित्त निगम भी आता है भाई। फिर पूछा विश्वविद्यालय आते हैं, उन्होंने कहा हाँ जी विश्वविद्यालय भी आते हैं। तो मैंने कहा एक लंबी लिस्ट पढ़नी है आपने, क्या करनी है। किसी ने पूछा इंडियन काउंसिल एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च आता है क्या, और आप देख रहे होंगे ये सब सरकारी क्या है, सब सरकार की बॉडी है, क्या है, चाहे आपका जीवन बीमा निगम हो वो सरकार का है, आपका ONGC हो वो सरकार का है, कारखाना वित्त निगम है ये सरकार का है, विश्वविद्यालय लगभग लगभग सरकार के ही होते हैं, ठीक है। ऐसे ही पूछा गया, मैंने कहा भारत पेट्रोलियम निगम ये भी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ये भी, इकार इंडियन काउंसिल एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च ये भी। तो आपने क्या करना है, एक लिस्ट याद करनी। तो मैं वो लिस्ट बता रहा हूँ कि कितनी, उस लिस्ट में कितने न्याय निर्णय में कोर्ट ने कितने चीजों को
स्थानीय और अन्य प्राधिकारी माना है। तो अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन स्थानीय और अन्य प्राधिकारी में सम्मिलित है। समझ लो मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा पेपर में। तो मैं क्या करूंगा, पहला दूंगा जीवन बीमा निगम, दूसरा दूंगा ONGC, तीसरा दूंगा मैं इकार, क्या दूंगा, और चौथा मैं दे दूंगा NCERT, क्या दे दूंगा। तो आपने बोलना भाई NCERT नहीं आता है इसमें, क्योंकि हमने दो लिस्टें पढ़नी है, एक लिस्ट पढ़नी है कौन आते हैं और एक लिस्ट पढ़नी है हमने कौन नहीं आते हैं। ठीक है, एक लिस्ट याद कर लीजिए, दूसरे का काम अपने आप बन जाएगा। अगर पूछा कौन नहीं आते हैं तो फिर नहीं वाले याद करने, क्योंकि जो आते हैं वो याद हो गए तो अपने आप पता चल जाएगा कि यार ये ऑड लग रहा है, ये हमने पढ़ा नहीं है तो ये नहीं आता है। कौन नहीं आते हैं तो जो जो आते हैं अगर याद है तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या। तो ये लिस्ट थोड़ा लंबी है भाई, टाइम लगेगा याद करने में, तो मैंने कहा कुछ तो एकदम याद हो जाएंगे। अब जैसे जीवन बीमा निगम, जैसे ONGC, जैसे कारखाना वित्त निगम, जैसे विश्वविद्यालय, विधिक व्यक्ति, कौन विधिक व्यक्ति, विधिक व्यक्ति में कौन कौन आता, कानूनी निगम आता है, सरकारी कंपनी आती है, रजिस्टर्ड सोसाइटी आती है, इतना समझ में आ गया। फिर याद करना आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इसमें आती है, उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम भी इसमें आता है, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी में लिया गया इसको, उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम भी आता है, भारत पेट्रोलियम निगम भी इसमें आता है, कौन, भारतीय सांख्यिकी संगठन ISO भी आता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी आता है इसमें, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक भी आते हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी आता है, भारतीय खाद्य निगम भी आता है, भारतीय खाद्य निगम मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI जिसको बोलते हैं, है ना, अर्ध सरकारी होता जबकि FCI, लेकिन फिर भी आता है इसमें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल भी आता है इसमें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आता है, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आता है इसमें, कौन आता है, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आता है, भागीदारी फर्म आती है, भागीदारी फर्म आती है, ये UPPCS वालों ने 2000 में पूछ लिया आज से 23 साल पहले, ऐसे ही सैनिक स्कूल सोसाइटी आती है, क्या आती है, ऐसे ही बालक सहायता संघ आता है, बालक सहायता संघ आता है, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल आते हैं, जो 95% अनुदान सरकार से प्राप्त करते हैं वो स्कूल भी आते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति आते हैं, कौन, मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, लेकिन कब, जब वह आर्टिकल 359 के अंतर्गत आदेश जारी करते हैं, राष्ट्रपति कब आते हैं, जब आर्टिकल, और ये UPSC लेवल का क्वेश्चन है कि स्थानीय और अन्य प्राधिकारी में राष्ट्रपति कब आते हैं, जब वो आर्टिकल 359 के अंतर्गत आदेश जारी करते हैं, और 359 में क्या करते हैं, वो मूल अधिकारों को निलंबित करते हैं, क्या करते हैं, जब आर्टिकल 352 लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, डिटेल में बाद में बताऊंगा, तीन कारण होते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये भी बताऊंगा कि पहले अभ्यांतरिक अशांति था वहां पर लिखा हुआ, इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया, तो कब वो क्या करते हैं 359 का यूज करते हैं, ठीक है, मतलब कब आर्टिकल 19 क्या होता है, अपने आप ऑफ होता है, वो बाद में बताऊंगा मैं, फिलहाल अभी क्या करना, अपने राष्ट्रपति होते हैं जब 359 के अंतर्गत क्या करते हैं, वो आदेश जारी करते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं जब वो न्यायालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति क्या करते हैं, करते हैं, उस समय जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी इसमें आते हैं, जब उसके बाद रेलवे बोर्ड आता है इसमें, कौन आता है, रेलवे बोर्ड आता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण आता है DDA, दिल्ली विकास प्राधिकरण आता है, बैंक और बीमा कंपनियां आती हैं, कौन आते हैं, आपके भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार BSNL आता है इसमें, इसमें संघ लोक सेवा आयोग आता है, UPSC आता है, कौन आता है, तो ये सब स्थानीय और अन्य प्राधिकारियों में आते हैं, और क्यों आते हैं, क्योंकि विधि, उपविधि, आदेश और अधिसूचना जारी कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, उनको प्रवर्तित कर सकते हैं, इतना समझ में आ गया। तो एक लंबी लिस्ट है, थोड़ा दिक्कत होगी, पर बार बार अगर आप इसी वीडियो को बार बार सुनेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं किनको राज्य नहीं माना गया है, मतलब राज्य के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं, स्टेट की डेफिनेशन में कौन फिट नहीं आते हैं। तो सबसे पहले एक टेकराज बनाम भारत संघ का मामला था, टेकराज ने भारत संघ से पूछा, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया,
उसने कहा कि संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान क्या राज्य के अंतर्गत आता है? तो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं आता है। टेकराज बनाम भारत संघ के मामले में पूछा गया कि संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान क्या राज्य की डेफिनेशन में फिट होता है? उन्होंने कहा नहीं, ये राज्य नहीं है। क्या नहीं है? राज्य नहीं है। अब राज्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसको विधि, उपविधि, आदेश और अधिसूचना जारी करने का शायद अधिकार नहीं है। ठीक है, दूसरा पूछा एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी भी नहीं आती है। किसमें? राज्य में नहीं आती है, राज्य की डेफिनेशन में फिट नहीं होती है। एनसीईआरटी बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान परिषद। किसको बोलते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान परिषद। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ पूछा गया, ये आता है? नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यह भी नहीं आता। राष्ट्रीय उपभोक्ता, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ भी नहीं आता है। आईसीआईसीआई बैंक, भाई प्राइवेट को पूछा कि आईसीआईसीआई बैंक आता है? उन्होंने कहा नहीं आता है। वक्फ बोर्ड पूछा, वक्फ बोर्ड आता है? तो वक्फ बोर्ड सरकारी तो होता नहीं है, उन्होंने कहा नहीं आता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR आता है क्या? नहीं आता है। इकार आता है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च आता है, लेकिन सेंटर ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नहीं आता है। यह बड़ी बात हो गई। अब मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, क्या बनाता? मैं बोलता और उल्टा करके, अगर मैं यूपीएससी होता तो मैं कैसे दिमाग के साथ खेलता आपके, मैं दोनों को देता, दो स्टेटमेंट देता। एक देता मैं कौन सा? ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बोलते हैं इसको। मैं बोलता कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थानीय और अन्य प्राधिकारी में शामिल है, आता है। ठीक है, और दूसरा मैं देता, या मैं ऐसे बोलता नहीं आता है। क्या बोलता? उल्टा करके देता, और दूसरा मैं बोलता कि CSIR कौन? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बोलता मैं आता है। अब यहां पे आप घूम जाते। क्यों घूमते? क्योंकि मैंने उल्टा करके दिया। क्या करके दिया? अब आपको ये तो याद रहेगा वहां पेपर में कि हमने इकार पढ़ा है, हमने CSIR पढ़ा है, पर नहीं आता है और आता है। ये फिर आप उहापोह की स्थिति में आ जाएंगे पेपर के अंदर, है ना? और एक बार आप आंसर लगाएंगे, आत्मा की जो पहली आवाज होगी वो बिल्कुल सही होगी, और फिर आप जब मिटा के क्या करते हो, सही करते हो, तो समझ लो आप गलत करने जा रहे हो। ये पेपर का नियम होता है, पहली बार में जो दिमाग में हिट किया वो सही होता है। जब आप मिटा कर या क्या करते हो, करते हो ना, चेंज करते हो आंसर, समझ लो आप गलत करने जा रहे हो। मतलब 80% केसेस में ऐसा देखा गया। ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी नहीं आता है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी नहीं आता है। क्या बोलते हैं इसको? SCERT, कहां है आपके उत्तराखंड का SCERT? अगर माना मैं पूछूं कि उत्तराखंड का कहां है, तो ननूरखेड़ा में है क्या? पहले शायद नरेंद्र नगर में था। चेक करो SCERT कहां है भाई आपका, उत्तराखंड का। जैसे आपकी NCERT होता है ना, वैसे ही आपका SCERT भी होता है। SCERT पहले शायद नैन नगर में था, अब कहां है? क्या ननूरखेड़ा देहरादून चला गया है? हाँ, कुछ हुआ है ऐसा। पहले नैन नगर आंसर होता था उसका, नरेंद्र नगर में था, फिर बाद में उसको शायद ननूरखेड़ा देहरादून में। ऐसे ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI। अरे भाई BCCI प्राइवेट है यार, क्यों उसको क्यों पूछ रहे हो आप? पूछने वाले ने गलती कर दी। तो BCCI भी क्या नहीं आता है? स्टेट में नहीं आता डेफिनेशन में। निजी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, सरकार के विश्वविद्यालय हो, वो आते हैं, लेकिन जो निजी विश्वविद्यालय होंगे जो सरकार से किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं करते, वो नहीं आते। समझ में आ गया? क्या न्यायालय आते हैं? न्यायालय भी नहीं आते, लेकिन मुख्य न्यायाधीश आते हैं। और मुख्य न्यायाधीश कब आते हैं? जब वो न्यायालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे होते हैं, उस समय आते हैं। समझ में आया? और राष्ट्रपति दो बार आ गए, एक बार तो जब वो 359 के अंतर्गत आदेश जारी कर रहे हैं, जब 359 के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, आदेश जारी कर रहे हैं, और एक बार वो आ गए पहली डेफिनेशन में, भारत सरकार और संसद, या संसद और भारत सरकार। अब संसद में कैसे आ गए?
क्योंकि संसद पार्लियामेंट इज इक्वल टू वन इज प्रेसिडेंट, सबसे पहले नंबर पे कौन होते हैं? राष्ट्रपति। नंबर दो पे कौन? लोकसभा। नंबर तीन पे कौन? राज्यसभा। समझ में आ गया? ठीक है। तो भाई ये थी आपकी स्टेट की डेफिनेशन किसकी, और ये था आर्टिकल 12, और हम पढ़ रहे हैं भाग तीन संविधान का, भाग तीन मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमने यूएसए के संविधान से लिया है। 1789 में यूएसए का संविधान बना था, 1791 में उसमें बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया था, वहां से हमने ये ले रखा है। इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 13। कितना? आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 जो है ना, एक प्रकार से धमकी भी बोल सकते हो, कवच भी बोल सकते हो, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो, कि संविधान वेताओं ने पहले ही आगाह कर दिया कि भाई ये कम नहीं किए जाएंगे, जो भाग तीन में हम मूल अधिकार दे रहे हैं वो कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है। तो अब क्या है इसमें? तो आर्टिकल 13 को हम बोल सकते हैं कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। किसको? न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है आर्टिकल 13 में। इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। क्या है? जो मूल अधिकारों से असंगत है। असंगत का मतलब समझते हो? जो मैच नहीं कर रहा मूल अधिकारों से, कहीं पे मूल अधिकारों का हनन अगर हो रहा है तो वो क्या, उसको उस विधि को क्या कर देगा न्यायालय? शून्य घोषित कर देगा। क्या कर देगा? शून्य घोषित कर देगा। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है, जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? और आपको यह बता दूं कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो भी हमने यूएसए के संविधान से ले रखा है। कहां से ले रखा है? और हमारे संविधान में अगर मैं जुडिशियल रिव्यू की बात करता हूं तो किस आर्टिकल में मिलेगा हमें? फिर भटक गए। अगर मैं जुडिशियल रिव्यू की बात करता हूं तो किस आर्टिकल में मिलेगा भाई जुडिशियल रिव्यू? तो हमें भाग पांच में जाना पड़ेगा। भाग पांच में हमें कहां जाना पड़ेगा? चैप्टर 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर के चैप्टर पे जाना पड़ेगा। फोर्थ चैप्टर में क्या है? यूनियन जुडिशरी है। यूनियन जुडिशरी कहां से कहां तक है? 124 से लेके 147 तक है। है 147 के बीच में एक आर्टिकल होगा जिसमें लिखा होगा जुडिशियल रिव्यू, और वो आर्टिकल होगा बताओ। इसीलिए कहा था कि सबसे पहले आर्टिकल याद कीजिए। क्या कीजिए? 137। क्या भाई दीवारों पे भी चिपका रखे हैं मैंने यहां पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, उनको देखा करें, उठ के देखें कि 137 पे लिखा है। आपको बेरेक्ट दे रखी मैंने, बेरेक्ट में देखिए 137 पर क्या जुडिशियल रिव्यू है? हाँ है। स्टार्टिंग में होंगे सारे आर्टिकल्स। ठीक है। तो भाई न्यायालय की यह शक्ति क्या कहलाती है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। प्रोफेसर कार्विन के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन हम आगे चलकर भी पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा एक विद्वान है प्रोफेसर कार्विन। प्रोफेसर कार्विन ने कहा कि क्या है जुडिशियल रिव्यू, उसको एक्सप्लेन किया उन्होंने। उन्होंने कहा विधानमंडलों की, अगर विधानमंडल कोई अधिनियम पारित करते हैं, अब विधानमंडलों में ऐसे मत जाना आपकी राज्य के विधानमंडल खाली, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानमंडल हो राज्य के, अगर वो कोई भी एक्ट पास करते हैं तो उसकी संवैधानिकता की जांच करना ही क्या है? जुडिशियल रिव्यू है। अगर वो संवैधानिक है तो वो एक्ट एज इट इज बना रहेगा, लेकिन अगर उसकी संवैधानिकता क्या लगती है, गलत लगती है कि ये असंवैधानिक है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? जीरो कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? शून्य कर दिया जाएगा। इतना मतलब समझ में आया? ठीक है। तो भारतीय संविधान में मैंने बता दिया कि जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है वो कहां से ले रखा हमने? यूएसए के संविधान से ले रखा। आर्टिकल 137 में ही है भाई, 137 में। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 तथा उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 को प्रदान की गई है। किसको? उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32, अगर माना आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को भी क्या है? रिट जारी करने की शक्ति है,
और हाई कोर्ट को भी क्या है, रिट जारी करने की शक्ति है। हाँ, लेकिन इतना बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट भले ही सुप्रीम हो और हाई कोर्ट भले ही क्या हो, नीचे हो, भाई स्टेट का जो कोर्ट होता है वो क्या होता है, हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट की रिट जारी करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति से क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, उसका जो क्षेत्र का विस्तार है ना रिट जारी करने का, वो सुप्रीम कोर्ट से क्या है, ज्यादा है। इतना समझ में आ गया। तो मैंने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, एक तो देखो न्यायिक पुनरावलोकन जब आप पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे आप आर्टिकल 137 में। अब न्यायिक पुनरावलोकन यहां पर कि संवैधानिक है या असंवैधानिक है, उसके लिए दो अस्त्र दे रखे हैं, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। इतना समझ में आ गया। पांच प्रकार की रिटें हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जब हम 32 पढ़ रहे होंगे वहां पर सारी रिटें हमने क्या करनी, पढ़नी है। ठीक है, अब अनुच्छेद 13(1) आर्टिकल 13(1) पे आ रहे हैं। 13(1) संविधान पूर्व विधियों और आर्टिकल 13(2) संविधान पश्चात विधियों के बारे में, संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियां और संविधान के लागू होने के बाद की विधियां। तो आर्टिकल 13(1) संविधान पूर्व विधियां, आर्टिकल 13(2) संविधान पश्चात विधियां। समझ में आया? ठीक है। अब भाई संविधान पूर्व विधियां क्या होती हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ठीक है, तो आर्टिकल 13(1) आर्टिकल 13(1) हिंदी में ही बता देता हूं, 13 ब्रैकेट में लिखना, एक के अनुसार संविधान के लागू होने से ठीक पूर्व की भारत में प्रवृत्त ऐसी सभी विधियां जो भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं शून्य होगी। क्या होगी, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। माना राजा ने, टिहरी के राजा ने किसी को माफीदार कह दिया, क्या कह दिया, वो उसका टाइटल हो गया, क्या हो गया। या माना ब्रिटेन की सरकार ने किसी को सर की उपाधि दे दी, वो उसका क्या हो गया, टाइटल। नहीं बोलते हम सर सचिदानंद सिन्हा या क्या क्या बोलते हैं हम, सर एसपी सिन्हा, सतेंद्र प्रसन्न सिन्हा, कौन थे, हाँ तो बोल दिया आपने कि एसपी सिन्हा बिहार के थे, उनको टाइटल दे रखा था सर का। गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाने वाले पहले भारतीय कौन, सर एसपी सिन्हा, सतेंद्र प्रसन्न सिन्हा। अब उनके नाम के आगे क्या लगा होता भाई, सर। ऐसे ही मैंने कहा किसी को नाइट की उपाधि दे दी, ब्रिटिश सरकार देती थी। अब क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, क्या हो गया। और जब जैसे संविधान लागू हुआ तो संविधान के जब हम आर्टिकल 18 में गए तो वहां पर लिखा हुआ था एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, क्या लिखा हुआ था, और उस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था कि राज्य शिक्षा और सेना संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि नहीं देगा। अब शिक्षा की उपाधि क्या होती है भैया, आप पीएचडी करोगे तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, आप एमबीबीएस करोगे तो हम बोलेंगे आपको डॉक्टर साहब बोलेंगे, ठीक है। आप सेना में जाओगे तो मैं बोलूंगा लेफ्टिनेंट, मैं बोलूंगा मेजर, मेजर साहब, मैं बोलूंगा लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, जनरल साहब बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। तो राज्य शिक्षा और सेना संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि नहीं देगा, अब आर्टिकल 18 में लिखा। अब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया तो क्या वो सर की उपाधि चलेगी या राजा टिहरी राजा के द्वारा दी गई माफीदार की उपाधि चलेगी, नहीं चलेगी, वहीं पे जीरो हो जाएगी। कौन बोलता है आर्टिकल 13(1) बोलता है, कौन, आर्टिकल 13(1) बोलता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पूर्व की भारत में प्रवृत्त ऐसी सभी विधियां, भारत में जो ऐसी विधियां चल रही थी जो कि इस संविधान से क्या, या जो भाग 3 के उपबंधों से असंगत है, वो जीरो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद किसी को ना तो नाइट बोला जा सकता था, ना किसी को सर बोला जा सकता था, ना किसी को माफीदार बोला जा सकता था, ना किसी को कंपेनियन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बोला जा सकता था, है ना। कौन कंपेनियन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, अब फिर फंस गए, मैं बार बार उत्तराखंड में आऊंगा, नैन सिंह रावत जी, पंडित नैन सिंह रावत जी, वैसे रावत जी हैं वो लेकिन उनके नाम के आगे पंडित लगा हुआ है, ये भी प्रश्न है सोचनी है कि पंडित कैसे लगा हुआ उनके नाम, शिक्षक थे भाई इसलिए पंडित नैन सिंह रावत, ठीक है। अब भाई आर्टिकल 13(1) भूतलक्षी नहीं है, क्या है, अभी बड़ा अजीब सा शब्द आ गया, भूतलक्षी नहीं है।
बता रहा हूं, धैर्य रखो। अतः कोई भी संविधान पूर्व विधि प्रारंभता शून्य नहीं है। प्रारंभता क्या नहीं है? शून्य नहीं है। संविधान पूर्व विधि जो भाग तीन से असंगत है, संविधान के लागू होने पर प्रभावहीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किंतु अतीत कालीन संव्यवहारों के लिए यह विधि अस्तित्व में होती है। इसे आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स कहा जाता है। आच्छादन का सिद्धांत आपके मेंस में बनेगा क्वेश्चन, 50 शब्दों में पूछेगा। क्या पूछेगा? पीसीएस का जब आप मेंस लिख रहे होंगे तब क्या होगा, 50 शब्दों में पूछा जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि फॉर्म नहीं आ रहे हैं, आप लोग भी बोल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि फॉर्म नहीं आ रहे हैं। तो भाई ऐसे लोग पेपर नहीं निकाल पाते जो ये बोलते हैं कि फॉर्म नहीं आ रहे हैं या फॉर्म अभी नहीं आया। फॉर्म आने के बाद तैयारी नहीं होती पीसीएस की या आईएएस की। कब होती है तैयारी? तैयारी पहले की जाती है। धैर्य होना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन बोला गया है इनको। क्या बोला गया है? लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन। 2 महीने में एसडीएम बनना चाह रहे हैं। क्या बनना चाह रहे हैं? कि फॉर्म आएगा, क्योंकि प्री तो 2 महीने के अंदर कराएगा लोक सेवा आयोग, 1 महीने के अंदर भी करा सकता आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। जब कभी भी फॉर्म आएगा, मैं भी नहीं जानता कब आएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से कब आएगा, मैं लोक सेवा आयोग नहीं हूं भाई, मैं शिक्षक हूं, मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है। मुझे नहीं पता कब आएगा, लेकिन जब भी आएगा उसकी तैयारी आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? और जब फॉर्म आएगा तब तक आपका प्री और मेंस दोनों तैयार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्री और मेंस, मतलब आपको वो सर्किल जो करते हो आप प्री में, वो भी आने चाहिए और साथ में लिखना भी आना चाहिए। तब समझना आप पीसीएस के एस्पिरेंट हो या आईएएस के एस्पिरेंट हो, है ना। ये मजाक नहीं होता कि 2 महीने में क्या एसडीएम बन गए जी, ऐसे नहीं बनते हैं, पहले ही बता दूं, ठीक है। चलो, तो क्या बताया मैंने, आच्छादन का सिद्धांत 50 शब्दों में लिखने के लिए आएगा। इतना ही लिखना है आपने, कितना, ज्यादा नहीं लिखना है। 50 में 45 शब्दों में भी लिख सकते हो तो भी नंबर मिलेंगे, 55 में भी लिखोगे तो भी नंबर मिलेंगे। 50 शब्दों को 200 शब्दों में मत लिखना, 100 शब्दों में मत लिखना, अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्वेश्चन छूटेंगे आपके, ठीक है। तो आच्छादन का सिद्धांत अब थोड़ा सा और समझा देता हूं। जिसके अनुसार, आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार, मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने पर मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती है। अब ये बार बार आपको शब्द परेशान कर रहा, आच्छादित हो जाती है, आच्छादित, आच्छादित का मतलब यार, जैसे आप लोग क्या करते हो, लिखते हो उसके बाद आप वाइटनर लगाते हो, वाइटनर लगाते हो, तो मैं बोलूंगा वाइटनर से आच्छादित हो गया वो, और उसके ऊपर से कुछ लिख दिया आपने, क्या कर दिया। तो व्यवहार में नहीं होता ये, बोला जाता है ऐसा कि आच्छादित हो गया, यानी पहले ब्रिटिश जो अंपायर था वो सर और नाइट की उपाधि देता था, उसके ऊपर आच्छादित हो गया कौन, आर्टिकल 18। क्या हो गया? आर्टिकल 18 क्या हो गया? आच्छादित, कि भाई उपाधियों का अंत किया जाता है, सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो मैंने कहा मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने पर मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती हैं और सुषुप्ता अवस्था में चली जाती है। सुषुप्ता अवस्था को क्या बोलते हैं भाई? हाँ, जैसे शीतकालीन निंद्रा में चले जाते हैं, ग्रीष्मकालीन निंद्रा में चले जाते हैं कुछ जानवर। एक होता है हाइबरनेशन, एक होता है एस्टिवेशन। भाई सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़े होंगे आपने, एक होती ग्रीष्मकालीन निंद्रा, एक होती शीतकालीन निंद्रा, है ना। तो मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं, या सुसुप्ता अवस्था, डॉर्मेंट भी वर्ड यूज करते हैं हम, जैसे वॉल्केनो को बोलते हैं डॉर्मेंट है भाई, क्या है। तो मैंने कहा कि सुषुप्ता अवस्था में चली जाती है, आच्छादन हटते ही वह पुनर्जीवित हो जाती है। आच्छादन हटते ही क्या हो जाती है? पुनर्जीवित हो जाती है। भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उत्तराखंड पीसीएस वालों ने 2005 में पूछ लिया था ये क्वेश्चन। कब? 2005 में जब पीसीएस का पेपर आया तो वहां पर पूछा हुआ था, किस वाद में आच्छादन के सिद्धांत को क्या किया गया था, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आंसर, भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश। ये भीकाजी अलग है, ये मैडम भीकाजी कामा नहीं है, कहीं आप मैडम भीकाजी के आर रुस्तम कामा पे चले गए। मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारियों की माँ बोला जाता था, वो अलग थी, ये भीकाजी अलग है। तो भीकाजी याद करने के लिए बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ताकि याद हो जाए।
भीकाजी बना मध्य प्रदेश राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत क्या किया, प्रतिपादित किया। इतना समझ में आ गया। इसमें क्या बोला उन्होंने, अरे बच्चों समझ में आया आपके कि दोबारा समझाना है, दोबारा समझाना है। संविधान पूर्व विधि, संविधान पूर्व विधि आच्छादित हो गई, जैसे ही संविधान लागू हो गया आच्छादित हो गई, किससे, मूल अधिकारों से। ऊपर कौन आ गया, मूल अधिकार आ गया, आच्छादित हो गई मतलब उसके ऊपर कौन आ गया, मूल अधिकार आ गया। अब मूल अधिकार ही माने जाएंगे, और जो नीचे जो आच्छादित होगी, जो नीचे वाली जो पूर्व संविधान पूर्व विधि है और जो मूल अधिकारों से असंगत है, वो सुषुप्ता अवस्था में चली गई। कहाँ चली गई, सुषुप्ता अवस्था में, डोरमेंट हो गई वो एक तरह से, जैसे ज्वालामुखी होता है ना, अब पता नहीं फटेगा नहीं फटेगा, लेकिन पता चला अचानक एक दिन क्या हुआ। तो सुषुप्ता अवस्था वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर मृत नहीं बोल रहे हैं। जैसे ज्वालामुखी में भी मृत उसको बोलते हैं जिसका मुंह में पानी भर जाता है, जिसके क्रेटर में पानी भर गया वो मृत हो गया। डोरमेंट उसको बोलते हैं कि 78 AD में विस्फोट हुआ, उसके ठीक 1400 साल बाद विस्फोट हुआ, 1400 सालों तक हम उसको बोलेंगे डोरमेंट था, ये क्या था। तो ऐसे ही मैंने कहा कि ये भी क्या हो गया, सुषुप्तावस्था में चली गई। अब अगर आच्छादन हटा, माना आच्छादन हटता है, फिर पुनर्जीवित हो जाएंगी वो जो संविधान पूर्व विधि है। अब इनके एग्जाम्पल देने बड़े क्या होते हैं, कठिन होते हैं, कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल दूं मैं, कि ऐसा कोई केस बताऊं जिसमें क्या हो कि आच्छादित हो जाए वो, आच्छादन हट जाए और वो पुनर्जीवित हो गया हो। फिलहाल मैंने कहा शब्दों के साथ खेलना है आपने, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर एडवोकेट बन जाएंगे भाई बड़े वाले सुप्रीम कोर्ट के, है ना, संविधान की व्याख्या करने वाले। इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं, आच्छादन के सिद्धांत को क्या बोलते हैं, ग्रहण का सिद्धांत भी कहा जाता है। ग्रहण लगता है ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, है ना, तो ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है। क्या होता है, संविधान पूर्व और संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है। भारत में कोई भी व्यक्ति स्वयं की इच्छा से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। अब अगला पॉइंट है, ये अगली लाइन है कि भारत में कोई भी व्यक्ति स्वयं की इच्छा से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता, जबकि अमेरिका में कोई भी नागरिक स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार त्यागना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यूएसए में कर सकता है, वो बोल सकता है मैं अपने मूल अधिकार क्या कर रहा हूं, त्याग रहा हूं। न्यायालय का मानना था क्या, न्यायालय का मानना था कि भारत की अधिकांश जनसंख्या निरक्षर और गरीब है, क्या है, जिसे अपने मूल अधिकारों की पर्याप्त जानकारी और चेतना नहीं है, इसलिए कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए इनका दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए एक खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। ये किसका मानना था, इसलिए भाई यहां पर त्याग नहीं सकते, हो सकता है कि कोई आपसे क्या करवा दे, मूल अधिकार का त्याग करवा दे अपने किसके लिए, स्वार्थ के लिए, इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं किया गया यहाँ पर। जबकि यूएसए में अगर आप अपने, इसको बोलते हैं शायद अधितेजन का सिद्धांत, क्या बोलते हैं, अधितेजन का सिद्धांत, ठीक है, तो इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने इतना बता दिया कि आच्छादन का सिद्धांत क्या है और अधित्याग अधितेजन का सिद्धांत क्या है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आता भाई संविधानेतर विधियां, संविधान लागू होने के बाद, संविधानेतर नहीं वर्ड यूज करेंगे, संविधान लागू होने के बाद की विधियां, आर्टिकल 13(2), क्या आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13(2) संविधान के लागू होने के पश्चात विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के बारे में है। अब विधानमंडल मैंने कहा खाली लेजिस्लेचर मान के मत चलना, चाहे वो संसद हो चाहे वो राज्य विधानमंडल हो, अगर वो कोई लॉ बना रहा है उसके बारे में बता रहा है कि आर्टिकल 13(2) संविधान के लागू होने के पश्चात विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के बारे में है। समझ में आ गया इतना। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, धमकी है, संविधान वेताओं ने पहले धमकी दे दी, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। राज्य कौन, संसद, भारत सरकार। अगर मैं राज्य को ब्रैकेट में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, संसद, भारत सरकार, राज्य, नहीं, राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, राज्य के ब्रैकेट में लिख सकता हूं ऐसा। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, क्या, जो भाग तीन द्वारा, किसके द्वारा, भाग तीन क्या, फंडामेंटल राइट्स, भाग तीन द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है, न्यून मतलब कम करती है,
पहले ही बोल दिया, धमकी दे दी कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग तीन द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को कम करती है, न्यून करती है, छीनती है। कोई भी भाषा वर्ड यूज कर सकते हो आप, लेकिन मैंने कहा अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। न्यून करती है, ठीक है, या छीनती है, ऐसी कोई विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी। देखो ना कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग कर रखा, आप लोगों के लिए तो कठिन लग रही होगी, लेकिन आपने आगे चलकर जो कार्यालयी भाषा होती है वह ऐसे ही होती है। क्या होती है, जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं, शादी के कार्ड में यह भी तो लिख सकते हो 8 बजे खाना खाने आ जाना। खाना खाने ही तो जाते हैं लोग शादियों में, क्या करने जाते हैं, पर ऐसा नहीं लिखा जाता ना, एक अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही मेंस में भी अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाता है लिखने को, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर भाई छीनेगी तो जीरो हो जाएगी, ऐसी भाषा भी तो लिख सकते हैं, खत्म हो जाएगी जी। अगर कोई राज्य क्या करेगा, अगर कोई ऐसा कानून बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करता हो तो वो खत्म हो जाएगी जी वहां पर, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन आपने क्या एक अच्छी भाषा का प्रयोग करना है कि यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो इस खंड के उल्लंघन में होगी, तो उल्लंघन की सीमा तक क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी, ऐसी विधि प्रारंभ से ही शून्य होती है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज समझा दूं कि राज्य ने क्या किया, एक 50 पेज का कानून बनाया। माना क्या बनाया, 50 पेज का कानून बनाया। 50वें पेज में, 50 पेजों के कानून में 15वें नंबर के पेज पर, कौन से नंबर के पेज पर, 15वें नंबर के पेज की तीसरी लाइन। अब ये याद रखना, मुझे भी याद नहीं रहेगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 50 पेज का एक कानून बना, उसके 15वें पेज की तीसरी लाइन कुछ ऐसी है जो आपके मूल अधिकारों को कम करती है। क्या करती है, तो वो तीसरी लाइन जीरो होगी। क्या होगी, प्रारंभ में उस तीसरी लाइन को जीरो माना जाएगा, ये माना जाएगा कि ये थी नहीं, ठीक है। अब पता चला कि वो तीसरी लाइन की वजह से क्या हो गया कि वो सारे के सारे जो 50 पेज को सार था ना, वो उस तीसरी लाइन में था 15वें पेज की, यानी वो पूरे उस पर इफेक्ट डाल रही है। किस पर, यानी अगर वो तीसरी लाइन नहीं आई ना तो 50 पेज क्या है, जीरो है, माना बेकार है। तो फिर 50 के 50 पेज जीरो माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, 50 के 50 पेज जीरो माने जाएंगे। समझ में आ गया, इसको मैं व्यवहार में ऐसे लिखना मत भाई, मेंस में, मेंस में जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से लिखा जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोई विधि बनी, क्योंकि विधायिका का जो प्रथम कार्य है वो क्या, विधि का निर्माण करना। उसने विधि का निर्माण किया, उस विधि के निर्माण में जाने या अनजाने आपके मूल अधिकारों का या किसी के मूल अधिकारों का क्या हो रहा, हनन हो रहा है। तो मैंने कहा 50 पेज के कानून में 15वें पेज की तीसरी लाइन की वजह से वो मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो पहले तो तीसरी लाइन जीरो होगी, ठीक है। फिर अगर माना वो 50 पेजों पर या 15वें पेज पर इफेक्ट डाल रहा हो, तो 15वें नंबर का पेज जीरो होगा, और उस 15वें पेज की वजह से अगर पूरे उस पर 50 पेज पर इफेक्ट पड़ रहा कि उसके बगैर तो भाई कुछ है ही नहीं है 50 पेज, तो फिर पूरा का पूरा जीरो होगा। इतना समझ में आ गया। अब इसको भाषा में कैसे लिखते हैं कि ऐसी कोई विधि जो इस खंड, यानी खंड मतलब खंड समझ रहे हैं, इस भाग, इस खंड के उल्लंघन में होगी, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। ऐसी विधि प्रारंभ से ही शून्य होती है, यहां उल्लंघन की सीमा तक शब्दों का विशेष महत्व है। इसे बोलते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। 3 सिद्धांत याद करने हैं आपने। पहला मैंने बोला था आच्छादन का सिद्धांत, कौन सा, इसको बच्चे पढ़ते नहीं है, मेंस में जाके बोलते हैं कहां से आया क्वेश्चन। एक पढ़ना आपने आच्छादन का सिद्धांत, दूसरा आपने बोलना है अधितेजन का सिद्धांत, और तीसरा पढ़ना आपने पृथक्करणीयता का सिद्धांत, कौन सा, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, कौन सा, सेवरेबिलिटी, समझ में आ गया, सेवरेबिलिटी, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब क्या है कि यह पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित है, किससे संबंधित है, पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित। इसके अनुसार यदि किसी अधिनियम का एक भाग मूल अधिकार का उल्लंघन करता है किंतु शेष भाग नहीं करता है, तथा मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले भाग को शेष भाग से उस अधिनियम के मूलभूत उद्देश्यों को समाप्त किए बिना पृथक किया जा सकता है, तब उसे पूरे अधिनियम को शून्य घोषित न करके केवल मूल अधिकारों से असंगत भाग को ही शून्य घोषित किया जाएगा। जो मैंने अभी बताया ना एग्जाम्पल, उसी को भाषा दे रहे हैं कि भाई एक भागी तो कर रहा मूल अधिकारों का क्या हनन,
तो उसको जीरो करेंगे, शेष भाग को नहीं करेंगे। उसी को भाषा दे रहे हैं कि यदि किसी, मतलब पृथक करणीयता का सिद्धांत, यदि किसी अधिनियम का एक भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है किंतु शेष भाग नहीं करता है, ठीक है, तथा मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को शेष भाग से उस अधिनियम के मूलभूत उद्देश्यों को समाप्त किए बिना पृथक किया जा सकता है, तब उसे उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित न करके केवल मूल अधिकारों से असंगत भाग को ही शून्य घोषित किया जाएगा। अर्थात अधिनियम को वैध तथा अवैध भागों में पृथक कर सिर्फ अवैध भाग को शून्य घोषित किया जाएगा। 15वें पेज की तीसरी लाइन को अवैध घोषित किया जाएगा। परंतु यदि वैध भाग अवैध भाग से इस प्रकार अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ हो कि अवैध भाग के पृथक करने पर अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाए, तब न्यायालय द्वारा पूरा अधिनियम अवैध घोषित कर दिया जाएगा। आ गया समझ में? इसको समझने में भाई कई बच्चों को कई साल लगते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल से, हल्के से एग्जाम्पल से क्या कर दिया, अभी समझा दिया। लेकिन मैंने कहा लिखने में जो भाषा है वो टफ है, उस भाषा को बार बार जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तभी आप क्या कर पाओगे। ये जरूर ध्यान रखना कि मूलभूत उद्देश्यों को समाप्त किए बिना, मूलभूत उद्देश्यों को समाप्त किए बिना हम उस 50 पेज के कानून की 15वें पेज की तीसरी लाइन को हम जीरो क्या कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। हम नहीं, मतलब न्यायालय, कौन, न्यायालय, ठीक है। तो भाई मूल अधिकारों से असंगत संवैधानिकतर विधि आरंभ से ही शून्य होती है। क्या होती है? मूल अधिकारों से असंगत संवैधानिकतर विधि आरंभ से ही शून्य होती है, किंतु इस आशय की घोषणा न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। इतना समझ में आ गया। अब हमने आगे पढ़ना है कि संविधान संशोधन क्या विधि है। देखो ना, इतने छोटे शब्द को लेकर अब आगे चलकर क्या होगा, एक बड़ा विवाद होगा किसके बीच में, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में। यह सबसे टफ पार्ट चल रहा है मूल अधिकार का। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना तब बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अभी पहले हमने समझना है कि इसने तो बोल दिया राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। क्या विधि नहीं बनाएगा? तो भाई कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा संविधान संशोधन विधि है कि नहीं है। अब इस पर टकराव देखेंगे हम अगले वीडियो में कि संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय विधि मानता है या नहीं मानता है, ठीक है। तो एक लंबा वीडियो बनने जाएगा इसके बाद। इसमें इतना ही कीजिए अभी पहले।